वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है कल्प वृक्ष का प्लांट, यानी बाओबाब का प्लांट है दोस्तों। ये बहुत ही हाइटेड है, लगभग 4 फीट के करीब होगा। और उससे मैं इस तरह का बिग साइज का ही ट्रेन करना चाहता हूँ। स्टेम भी ठीक ठाक बड़ी है और यहाँ देखिए करेक्टर में भी है, यहाँ होल भी बना हुआ है। और ख़ास बात यह है कि मैंने इस प्लांट को जगह जगह पर ग्राफ्टिंग किया हुआ है। यहाँ भी ग्राफ्टिंग है, ये भी ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग से मैक्सिमम इस ब्रांच को छोड़ के सभी जगह मैंने ग्राफ्टिंग ट्राई किया है। ये टॉप पार्ट भी ग्राफ्टेड है दोस्तों, किसी बड़े प्लांट से लाके मैंने उसको ग्राफ्ट किया था। तो जैसे मैंगो में होता है, इस तरह से इसमें भी बेनिफिट होना चाहिए। जहाँ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होती है, वैसे प्लांट से लाके मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है। तो आज मैं उसका कुछ वायरिंग करके शेपिंग करूँगा। और उसको बहुत ही पानी कम चाहिए। मैंने उसको यहाँ प्लास्टिक बांध के रखा था यहाँ से, जिससे बारिश का पानी भी ना जा सके और विंटर में आते आते ये डोरमेंसी में चला जाएगा दोस्तों, यानी उसके पत्ते सब गिर जाएंगे और ये बिना पत्तों के हो जाएगा। और तब उसको पानी बहुत ही कम चाहिए, यानी एडिनम की तरह ट्रीट करना है इस प्लांट को। और ये जब उठेगा, यानी ये लास्ट वीक जून में ग्रो करेगा, तो अभी अपना नया ग्रोथ चालू करेगा। तब तक ये डोरमेंसी में ही चला जाएगा अब विंटर आते आते। तो चलिए मैं कुछ वायरिंग कर लेता हूँ और स्टाइलिंग करेंगे। चलिए मैं डिपोलेशन भी कर देता हूँ, जिससे हम जो भी डिज़ाइन करेंगे वो स्ट्रक्चर देख पाए हम। और अभी डिफोलेशन करने से ये फिर से वैसे एक्टिवेट ही है, फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और जो भी ग्रोथ होगा वो 1-2 महीनों में जितना भी बढ़ेगा उतना बढ़ पाएगा, और बाद में ये स्टॉप कर देगा का अपना ग्रोथ। और पिछले आने वाले साल में ही ये ग्रो कर पाएगा दोस्तों, यानी जून में स्टार्ट होता है उसका ग्रोथ। और एक बात, ख़ास बात यह है कि आप उसको बार बार सेड़े मत, यानी रिपोर्टिंग बार बार मत कीजिए। यानी 3-4 साल या 5 साल का भी अंतराल रख सकते हैं। जब आपको ड्रेनेज होल में चौकअप दिखाई दे तभी कुछ करें, नहीं तो उसका रिपोर्टिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा रखना है मेरे ख्याल से। फाइकस को जैसे हम हर साल भी कर सकते, ऐसा इसमें नहीं कर सकते। और लोअर ब्रांचों को हमें बढ़ने देना है, तो उसका ट्रिमिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल अभी तो डिफोलेशन कर रहा हूँ। जब मैंने रिपोर्टिंग किया था तब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की थी प्लांट के साथ, क्योंकि पहली बार था ये मेरे पास प्लांट। तो जब मुझे मिला तो मैंने ग्राफ्टिंग करके ऐसे ही रहने दिया। और 2019 में मैंने ग्राफ्ट कर दिया था, और पिछले यही साल यानी स्प्रिंग में मैंने उसको इस तरह रिपोर्ट किया था। उसका भी वीडियो होगा, लिंक दूंगा मैं। चलिए कुछ मूवमेंट देते हैं प्लांट को। ऊपरी ब्रांचों को मैंने कुछ मूवमेंट दे दी है, अब नीचे वाली ब्रांचों को सेट करेंगे। तो प्लांट को मैंने मूवमेंट दे दी है दोस्तों, यहाँ से शायद आप लोगों को दिखाई दे कुछ आकार में। इस तरह से मैं एक बिग साइज का प्लांट बना रहा हूँ। उसकी भव्यता होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये है कल्प वृक्ष, नॉर्मल प्लांट नहीं है। तो उसको मैं कुछ इस तरह का ही ट्रेन करूँगा। ये मास्टरपीस लगना चाहिए हमारे गार्डन में। तो 1 साल हुआ है मेरे साथ और मैंने इस तरह का कुछ ट्राई किया है। और यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया सा होल है, और नेबरिस भी ठीक ठाक थी, वो तो अंदर है, बाद में देखेंगे। और जहाँ जहाँ भी मैंने उसको टेम्पर किया है, यानी यहाँ कुछ जगह मैंने क्लीन की है दोस्तों, इसी जगह पे मैं एंटी फंगस पाउडर दे दूँगा। तो जिसके पास एडिडम है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाओबाब के साथ, क्योंकि कुछ कुछ कैरेक्टर या ग्रोथ पैटर्न उसी के जैसा ही है। भले ही फ्लावरिंग ना करता हो, बट मैंने वो भी ट्राई किया हुआ है, यानी ग्राफ्टिंग की है दोस्तों। तो देखते हैं, 2-4 सालों में तो बढ़िया डिज़ाइन होके निकलना चाहिए। यहाँ मिडल में ब्रांच नहीं है, वो भी ग्रो होना शुरू हो गई। यहाँ एक ग्राफ्टिंग था,
बट वो ऊपर से आम का पेड़ का एक टहनी पड़ी थी तो वो टूट गया था। तो यहाँ भी एक ग्रोथ तो हो ही रहा है और यहाँ गैप है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लांट अपने आप में एक अलग सा शेप में आ जाएगा। लोअर ब्रांच को सेड़ा नहीं है, अगर ग्रो भी होते हैं तो हमें उसको कुछ नहीं करना है। वैसे तो ये मुझे अनवांटेड लग रहा है, ये ही ग्रो करने दूंगा, देखते हैं क्या होता है। मिलता है एक अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।